कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही? यार मैं उलझी हुई थी कुछ. उलझी हुई थी क्यों? पता नहीं, मुझे भी नहीं बताओगी. By the way, I have got good news for you. प्रॉपर्टी के पेपर्स असली हैं? ना सिर्फ असली हैं, बल्कि पूरे 40 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने नाम कर दिया तुम्हारे. यार Tell me, are you serious? तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा, चेक करा ली है मैंने. Wow. मैंने तुम्हें कहा था ना, हम फजूल में सादान पे शक कर रहे थे और मुझे नाराज भी हो गया. तुमने जुआरियों को कभी देखा? क्या मतलब? मतलब ये कि पहले वो हारने लगते हैं, जब दूसरे को लगता है कि उसने अच्छी खासी रकम जीत ली है, फिर खुलकर खेलने लगते. उसके बाद पता है क्या होता है? जानती हूँ. फिर वो सब कुछ समेट के भाग लेते हैं, है ना? Exactly. तो तुम कह रहे हो कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा? देख लो, ये सुन के 40 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने तुम्हारे नाम कर दी है और पेपर्स भी असली हैं, तुम्हारा दिल कैसे पसीज गया है उसके लिए? अच्छा, he is my husband for God's sake. हाँ, वही हस्बैंड जो चंद महीने पहले किसी और का भी हस्बैंड था यार. वो रिश्ता खत्म हो गया था, उसने मुझसे शादी कर ली, वो मुझसे प्यार करता है, मैं उसे प्यार करती हूँ. What is wrong with all of that, यार? तुम इतनी जज्बाती क्यों हो रही हो सादान के लिए? मुझे लगा था तुम प्रैक्टिकल. आई एम स्टिल प्रैक्टिकल, तभी तो मैं कह रही हूँ कि मुझे सादान के लिए ऐसे फील नहीं करना चाहिए. वो मेरा हस्बैंड है, मुझे उसके बारे में अच्छा सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में. मैं कब कह रहा हूँ नेगेटिव सोचो उसके बारे में? मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि he's not sincere with you. एक बंदे ने अपनी पूरी जायदाद मेरे नाम कर दी है, तो वो मेरे बारे में नेगेटिव क्यों सोचेगा? Why? तुम समझने की कोशिश तो करो. लंबी बाजी की पहली चाल है ये. मेरे पास ऐसा क्या है हारने को जिससे वो जीत जाएगा? Darling, तुम्हारा हुस्न. वो हुस्न तो वो जीत चुका है ना. I mean, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो आई सर्व माई सेल्फ इन अ प्लैटर टू हिम, तो वो जीती हुई बाजी को दोबारा क्यों जीतेगा? गॉड, बिम्बो तुम नहीं समझोगी. तुम ऐसी रिएक्ट कर रही हो जैसे कोई टीनेजर लड़की होती है जिसको पहली बार मोहब्बत हुई हो सादान से. मोहब्बत बहुत अजीब चीज होती है सर, जब भी होती है ऐसा लगता है पहली मर्तबा हुई. सीरियसली, मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सादान गेम खेल रहा है तुम्हारे साथ. क्या गेम खेल रहा है बताओ? इसमें आई तुम्हारे? हो सकता है कि जो तुम बोल रहे हो वो ठीक हो, लेकिन जो अभी तक हुआ ही नहीं है, मैं उसको इमेजिन करके परेशान क्यों होना शुरू हो जाऊं? आई मीन, व्हाट्स द पॉइंट? वो इसलिए ताकि तुम धोखे से बच सको ना, वैसे ही जैसे सादान ने अलीना को धोखा दिया. उसने अलीना को कोई धोखा नहीं दिया. उसने अलीना को बता दिया था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है और मुझसे शादी करना चाहता है, और कर ली. अब अलीना ने उसे लूज कर दिया, उन लोगों की कंपैटिबिलिटी खत्म हो गई और डिवोर्स हो गई. इसमें मेरा क्या फॉल्ट है भाई? अच्छा, अलीना और सादान की लव मैरिज थी ना? हाँ. तुम्हारी और सादान की भी लव मैरिज? तो क्या गारंटी है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा? मेरी बात सुनो सर, जब मैरिजेस स्टेल हो जाती हैं तो इंसान को जो कुछ एक्साइटिंग लगता है वो उसकी तरफ बढ़ता चला जाता है. और जब सादान अलीना से दूर हो रहा था तो मैं उसे मिल गई. और तुम्हें पता है, सादान ने मुझे बताया कि जब मैं उसकी जिंदगी में आई तो उसे ऐसा लगा कि जैसे वो अपनी जिंदगी की तरफ दोबारा लौट आया. अच्छा, लेकिन मुझे तो लगा था कि तुमने सादान से सिर्फ पैसे के लिए शादी की. ये भी एक फैक्ट है, लेकिन मैंने उसे चाहा भी है. तुम्हें पता है मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस थे. ऑप्शंस तो थे तुम्हारे पास, जो सादान से ज्यादा खूबसूरत और हैंडसम थे. तुम्हें चाहते भी थे, लेकिन शायद पैसा नहीं था ना उनके पास. यकीन मानो, अगर मैं सादान जितना किसी और से प्यार करती तो मुझे पैसे की परवाह नहीं होती. जी जी जी,
आप कहना चाह रही हैं कि आपने सादान से अपने दिल की खातिर शादी की। मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि पहले मैंने उसे चाहा, मोहब्बत की, और फिर आई फाउंड आउट दैट ही इज वेल सेटल्ड। उसके पास पैसा है तो इसमें क्या बुराई है यार? नहीं सॉरी, नहीं, अब इंसान अब खुद से झूठ बोल रहा है अपने आप से, तो मैं क्या करूं फिर? मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलती। तुमने मुझसे मेरे दिल का हाल पूछा, मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हें पता है तुम्हारी इस कैफियत को क्लिनिकल साइकोलॉजी में क्या कहते हैं? I know क्या कहते हैं, पर आई एम मैडली एंड डीपली इन लव विद सदान, है ना? जी नहीं, इसको कहते हैं स्टेट ऑफ डिनायल। व्हाट डू यू मीन? मतलब ये कि जो हमें दिखता है वो मानते नहीं। मतलब साफ दीवार पे लिखा है कि सदान की अगली मूव क्या होगी, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ। तुम पागल तो नहीं हो? आई मीन वो मुझे चाहता है, मैं उसकी बीवी हूँ, हमने पूरी जिंदगी साथ गुजारनी है, आगे चल के हमारे बच्चे होंगे, ये प्लानिंग और मूव्स कहाँ से बीच में आ गए यार? और मैं उसके बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचूं? लुक, तुम्हारा कजिन हूँ, खून का रिश्ता, इसलिए परेशान होता। समझाना मेरा काम है, तुम समझो ना समझो, मानो ना मानो। I know. Anyways, I gotta go. अच्छा किया तुमने डॉक्यूमेंट्स चेक करवा लिए, मुझे भी तसल्ली हो गई। सही बात है, तुम्हें भी जवाब मिल गया ना सादान से मोहब्बत करने का। हाँ, तो होना भी ऐसे ही चाहिए ना, जब उसने इतना सब कुछ मेरे नाम पे कर दिया तो मुझे क्या जरूरत थी ये सब सोचने की? पता नहीं, शायद मैं प्यार में इतनी अंधी नहीं हूं ना, लेकिन इस सब के बाद तो अब कोई जवाब ही नहीं बनता कि वो मुझसे प्यार नहीं करता।